जम्मू कश्मीर तहसील डीएचपोरा में लंगखोली नंदीमर्ग के ग्रामीणों ने गांव को लिंक रोड के निर्माण के संबंध में देरी की रणनीति के संबंध में सरकार और जिला प्रशासन के गैर गंभीर दृष्टिकोण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय ग्रामीणों ने उपराज्यपाल से कुलगाम डिवीजन में आरएनडी पीएमजीएसवाई अधिकारियों को जल्द से जल्द गांव तक सड़क बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया ताकि वह राहत के साथ ले सके। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता आशिक अली की है रिपोर्ट। है रोड का, पीएमजी वाले ने रोड बनाया लेकिन ये गांव से पीछे ही रह गया 600 मीटर। हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी उनसे कि ये गांव से पीछे ही है, मेहरबानी करके इसमें गांव में कूड़ा लाया जाए। इससे हमें कोई फायदा नहीं मिला। हमारी पुरजोर गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतजामिया से कि ये जो 600-700 मीटर यहाँ बचे हैं तो इनको अगर पाई तक भी वहाँ पहुँचाएंगे तो फिर हमें फायदा है। लेकिन आरएनडी वालों ने इसमें पहले कटिंग की है, उससे क्या हुआ कि हम हिली एरिया में रह रहे हैं, जो भी हमारे मकान ऊपर के साइड में है लैंडस्लाइड की वजह से वो भी क्रेक हुए हैं। हमारी गुजारिश है यही कि बड़ी मेहरबानी करके या तो हमें किसी जगह और जगह शिफ्ट करे या हमें इस रोड की प्रोटेक्शन करे, मैगडम डाले। और सारा गाँव जो है ये बहुत ही गरीब इलाका, मतलब मकसद हमारा यही है, जो ये रोड है हमारा जो दोबन से लंगखल की तरह आ रहा है, इसमें जो 600 मीटर बीच में छोड़ दिया है पीएमजी वालों ने, इससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। जब तक इस रोड में जो कटिंग की है पहले, इसमें जब तक बंड नहीं लगेगी, देखो जितनी भी बस्ती ऊपर है सब मकानों को इसको नुकसान पहुंच गया है। और बीच में इसमें एक आगे एक ऐसा मोड़ है जहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं मुड़ती है, बहुत दिक्कत आ रही है। पहले उन्होंने वादा किया था कि हम इसको पूरा कंप्लीट करके देंगे और बाद में अधूरा ही छोड़ के वो चले गए। जब तक इसमें बंड नहीं लगेगी, मैगडम नहीं होगा, तब तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। और दोनों गांवों को आपस में मिलने का मसला यही है कि रोड आपस में कंटेक्ट हो जाए। वो बीच में छोड़ दिया, ना आगे का रहा ना पीछे का रहा, इसको हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि रोड मुकम्मल की जाए।